हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सुपर इस टीचिंग में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बैक नेक नेक डिज़ाइन सिखाऊंगी। तो यहाँ मैंने कपड़े को दो फोल्ड में करके रखा है और हाफ इंच पर एक निशान लगाया है। इस निशान को सीधा कर देंगे और यहाँ हमारी पूरी लंबाई होगी 15.5 इंच। तो यहाँ मैं 15.5 इंच पर एक मार्क करूँगी। और इस निशान को भी सीधा कर लेंगे। ये अस्तर का मैंने कपड़ा लिया है। अब यहाँ हम कंधा लेंगे और फिर यहाँ आर्म होल के लिए एक निशान लगाएंगे 6.5 इंच पे। और इस निशान को भी सीधा कर लेंगे। यह हमारा कंधा है 7 इंच क्योंकि बोट नेक है और चेस्ट है 40 इंच। तो 40 इंच का एक हिस्सा हुआ 10 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। और कमर है 32 इंच तो 8 इंच पे एक निशान लगाएंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा डॉट के लिए और 2 इंच मार्जिन के लिए निशान लगा देंगे और दोनों निशानों को सीधा कर देंगे। बराबर से और हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे 6.5 इंच पे और ऊपर कंधे पे 7 इंच पे लगाए थे, नीचे से चेस्ट के निशान से 6.5 इंच लगाएंगे। यहाँ हम 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इस निशान को राउंड शेप दे देंगे आर्म होल के लिए। और यहाँ 1/2 इंच का निशान लगाएंगे और इस निशान को सीधा कर लेंगे। और ये हमारी मार्किंग हो गई। अब हम इसे कटिंग करेंगे। तो ये अभी अस्तर था, अब इस पर हम नेट काटेंगे और एक साटन का कपड़ा भी काटेंगे। तो सबसे पहले हम गले के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ हमारे गले की लंबाई होगी 11 इंच और 11 इंच पे मैं एक मार्क करूँगी। आप अपने इच्छा अनुसार जितना रखना चाहते हैं रख सकते हैं। और यहाँ हमारे गले की चौड़ाई होगी 4.5 इंच और वहाँ आर्म होल के सीधे निशान लगाएंगे और इस निशान को इस निशान से मैच करा लेंगे और हल्का सा राउंड शेप देते हुए निशान लगा देंगे। और यहाँ हम 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे नेक बनाने के लिए। अब इसे राउंड शेप दे देंगे। अब इसे हम कट कर लेंगे, ऊपर का भी कट कर लेंगे। और ये मैं अब नेट के कपड़ा रख के इस पे कटिंग करूंगी। तो सेम जैसे अस्तर का कटा है सेम इसी तरह नेट का कपड़ा रख के कट कर देंगे। और प्लीज मेरे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, शेयर करें प्लीज। तो यहाँ मैं ऊपर का हिस्सा हटा दूंगी और नीचे का हिस्सा जो क्राउन शेप में कटिंग हुआ था उसको रख लेंगे क्योंकि नेट का पूरा ऊपर से नेट दिखेगा और नीचे अस्तर रहेगा। तो ये हमारी कटिंग हो गई है अस्तर की और नेट की। अब हम इस कपड़े पे अस्तर का जितना पार्ट कट हुआ है बस उतना ही पार्ट इस पे रख के कटिंग कर लेंगे, ये अस्तर वाला पार्ट बस। तो यहाँ हमारी कटिंग पूरी हो गई। अब हम एक डॉट के लिए यहाँ पर निशान कर लेंगे 4 इंच पे एक निशान लगाकर निशान को सीधा कर लेंगे और दोनों तरफ से निशान लगा देंगे।
और ये नेट का कपड़ा है और अस्तर का दो। तो यहाँ हमारी कटिंग पूरी हो गई है। ये डिज़ाइन प्लीज़ आप लोग ट्राई करिएगा, बहुत सुंदर लगता है ये डिज़ाइन। आप सूट में भी बनवा सकते हैं और ब्लाउज में भी बनवा सकते हैं। तो ये हमारा नीचे का अस्तर का कपड़ा हो गया और ये ऊपर से नेट का, ऐसे इसकी स्टिचिंग होगी। तो हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले अस्तर का कपड़ा स्टिच करेंगे दोनों को। पहले ये ऊपर से जो गले का जो शेप राउंड शेप था उसको पहले सिलाई करके उल्टा रख के सिलाई करके पलट देंगे। इसी तरह दोनों साइड से स्टिच कर लेंगे। तो मैंने यहाँ एक स्टिच लगा दी है और इसे कट कर लेंगे। कट करने से अच्छे से ही बैठ जाता है पलटने पे। तो इसको हम ऐसे पलट देंगे, पलट के इसको सीधा कर देंगे और इस पे एक स्टिच कर देंगे। तो यहाँ एक सिलाई देंगे इस पे ताकि अच्छे से ये बैठ जाता है। और इसको चारों तरफ से सिलाई कर देंगे। और आपको जहाँ भी ना समझ में आए प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ चारों तरफ से सिलाई पूरी हो गई है। अब हम दूसरे साइड का भी सेम इसी तरह सिलाई कर लेंगे। तो इस पे पहले सिलाई लगा देंगे, फिर इसको पलट देंगे, उसके बाद पलटने के बाद फिर ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे और चारों तरफ से स्टिच कर देंगे। तो ये हमारा दोनों साइड का अस्तर का स्टिचिंग पूरा हो जाएगा। इसके बाद ऊपर से हम नेट का कपड़ा लगाएंगे और स्टिच करेंगे। और प्लीज़ प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो यहाँ अब मैं नेट का कपड़ा लगाऊंगी, सेम उसी के ऊपर रख देना है अच्छे से बैठा के। और यहाँ मैं पिनअप कर दूंगी ताकि कपड़ा इधर उधर ना हो और अच्छे से सेट हो जाए। और यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे ताकि नेट का कपड़ा इधर उधर ना हो और अच्छे से भी बैठ जाए। दोनों तरफ का सिलाई ऐसे ही कर देंगे। अब सेम इस साइड का भी एक सिलाई लगा देंगे नेट का कपड़ा ऊपर से रख के। यहाँ बीच में लगाने से नेट का कपड़ा इधर उधर नहीं होता है और अच्छे से बैठा रहता है। जैसे यहाँ पे एक सिलाई नेट का कपड़ा रखा है और नीचे अस्तर है, दोनों अटैच भी हो जाते हैं आराम से और इधर उधर होता भी नहीं है। कपड़ा एक साइज का पूरा हो जाता है। तो आप अपने अनुसार जितना लंबाई चाहते हैं उतना कर सकते हैं, जितना अस्तर का चाहते हैं या फिर जितना नेट का चाहते हैं अपने अनुसार कर सकते हैं। अब यहाँ हम बैक डॉट लगा देंगे दोनों साइड से। और ये हमारा डॉट पूरा हो गया है। अब हम नीचे का हिस्सा जो रहता है उस पर अलग से कपड़े अस्तर का कपड़ा काट के
इस पे नीचे लगा देंगे। और इस पे हम फिर ज्वाइंट कर देंगे इसमें। तो यहाँ हम एक स्टिच इस पे भी लगा देंगे और बाद में आप चाहें तो इसे तुरपाई कर सकते हैं। इसी तरह दूसरे साइड का भी पूरा कर लेंगे। आप किसी भी प्रकार के नेट के कपड़ा लेकर के ऐसे सिलाई कर सकते हैं, जैसे भी कपड़ा रहेगा सभी पर अच्छा लगेगा। तो सेम उसी तरह इसकी भी सिलाई कर देंगे नीचे से कपड़े को, और ऊपर से जितनी लंबाई हो, जितना लंबाई आप रखना चाहते हैं उतना लंबाई रख के नीचे से ऐसे ही कपड़ा लगा देंगे तुरपाई के लिए। तो ये हमारी स्टिचिंग हो गई है। अब हम बीच का जो हिस्सा है उसे स्टिच करेंगे, यानी पट्टी लगाएंगे, कश पट्टी, और इस पर हम बीच में एक डिज़ाइन बनाएंगे जो पोटली के तरह बनता है। तो इस पर मैं एक कपड़ा काटूंगी इस पर लगाने के लिए, और नीचे कपड़ा रख के इसको एक स्टिच लगाएंगे। और पूरा नीचे तक सिलाई कर देंगे। अब इस कपड़े को सीधा कर लेंगे। और इस कपड़े को हल्का सा मोड़ देंगे। तो यहाँ मैंने डिज़ाइन बनाने के लिए ये पोटली बनाया है, जैसे आप देख रहे हैं मैं कैसे बना रही हूँ। तो ये जो पोटली मैं बनाई हूँ बीच बीच में रख पे सिलाई कर देंगे, और ऊपर से कपड़ा हल्का सा मोड़ के उस पर सिलाई कर देंगे तो ये दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पोटली बनाने के लिए मैंने नेट का कपड़ा लिया है, और ये अस्तर का कपड़ा है उसी में छोटा सा कट करके उसमें डाल दिया है, और हम धागे से अच्छे से इसको बांध देंगे ताकि उसमें से कपड़ा निकले नहीं, और कई बांध लगा देंगे। तो हमारी पोटली बन के ये तैयार हो गई, और नीचे से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे काट लेंगे। तो सभी पोटली हम जितना आप गैप चाहते हैं उसके अनुसार, या फिर चाहते हैं तो लगातार ही लगा सकते हैं, या फिर आप जितना इंच का गैप चाहते हैं उसके अनुसार भी रख सकते हैं। तो यहाँ मैं पूरे एक साइड से लगाती जाऊंगी एक के बाद एक, और स्टिच लगाते जाएंगे इस पर। अच्छे से स्टिच लगाना है, बाहर स्टिच नहीं करना है, और बहुत आराम आराम से इस पर रख के धीरे धीरे के पोटली को रख के उस पर डबल स्टिच लगाते जाएंगे। और पूरा पोटली ऐसे एक रख के पूरा नीचे तक सिलाई करते जाएंगे। बहुत ही आसानी से सिलाई हो जाती है, आप बस आराम आराम से इसको सिलना है एक एक रख के, और पूरा नीचे तक ऐसे पोटली रख रख के एक के बाद एक पूरा नीचे तक सिलाई कर देंगे। और आप चाहें तो इस पोटली के बीच में गैप भी कर सकते हैं, या लगातार आप पोटली बनाकर ऐसे स्टिच कर सकते हैं जैसा आप चाहें।
या फिर आप चाहे किसी और कलर का अगर साड़ी का जो मैचिंग हो तो उसका अलग से बस पोटली बनाकर इस पे लगाएंगे तो और सुंदर दिखेगा साड़ी में, या किसी भी मैचिंग का हो तो। तो यहाँ मैंने पूरा स्टिच कर दिया है, पूरा पुट्टी लगाकर। अब हम इस कपड़े को हल्का सा साइड से मोड़ के इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको मोड़ कर और इनके ऊपर रख के ऐसे इस पर स्टिच लगा देंगे। बहुत ही सावधानी से स्टिच करना है, धीरे धीरे आराम से, ताकि जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो दिखे ना, तो उसके ऊपर से सिलाई करते जाना है और पूरा नीचे तक अच्छे से मोड़ के कपड़े को नीचे तक सिलाई कर देंगे। तो ये हमारी हुक पट्टी भी तैयार हो रही है और ये पोटली भी ढक जा रही है, ताकि जो बस पोटली है वही दिखे, एक्स्ट्रा कपड़ा ना दिखे। तो ये मेरा बैग ओपन रहेगा इसलिए मैं ये हुक पट्टी भी तैयार कर दे रही हूँ। और आप चाहते हैं कि आपका हुक ना हो तो आप ऐसे सिंपल ऐसे बना करके एक दूसरे पर ज्वाइंट कर सकते हैं। तो यहाँ हमारी कच पट्टी भी तैयार हो गई है और इस पे हम कच बना देंगे हुक वाले हुक लगाने के लिए, और हम कच पट्टी तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने अस्तर के कपड़े की एक पट्टी काट ली है और ऊपर ऐसे रख के इस पे सिलाई कर देंगे और इसे नीचे की तरफ मोड़ देंगे पलट के, तो ये हमारी हुक पट्टी तैयार हो जाएगी। और आपको जहाँ भी ना समझ में आए नीचे कमेंट करिए, मैं जरूर जवाब दूंगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो नीचे से हल्का सा मोड़ देंगे तो ये हमारी हुक पट्टी तैयार हो गई और इस पर एक और सिलाई लगा देंगे। और इसको अंदर की तरफ मोड़ के एक सिलाई लगा देंगे इस पर। और आप किसी भी ब्लाउज के लिए अगर नेट का कपड़ा ले रहे हैं तो सबसे पहले ये देखें कि वो नेट का कपड़ा मजबूत है कि नहीं। तो अब हम इसका नेक बनाएंगे। मैंने एक पट्टी नेट के कपड़े की काटी है और हम इस पर रख के नेट बना लेंगे। ब्लाउज सिलने के लिए नेट का कपड़ा मजबूत जरूर रहना चाहिए, नहीं तो अगर थोड़ा सा भी इधर उधर कट लगा कहीं तो पूरा नेट का कपड़ा खराब हो जाता है। इसलिए नेट का कपड़ा सावधानी से भी सिलना ज़रूरी है। अगर कहीं भी कैंची का कहीं भी थोड़ा सा भी कट लग जाएगा तो पूरा नेट का कपड़ा ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ हम नेक बना रहे हैं और इस पर एक सिलाई लगा के फिर नीचे की तरफ मोड़ के एक ऊपर से सिलाई लगा देंगे ताकि कपड़ा अच्छे से नीचे एडजस्ट हो जाए। और फिर नीचे की तरफ मोड़ के एक इस पे भी सिलाई लगा देंगे और जो ये कपड़ा है पतला सा ही मोड़ करना है ताकि नेट देखने में भी खूबसूरत लगता है। आप चाहें तो इसको तुरपाई भी कर सकते हैं लेकिन सिलाई ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि नेट का कपड़ा है तो इससे थोड़ा नेट को मजबूती भी मिलेगी। तो यहाँ मैंने नेक बना लिया है और इसी तरह दूसरे का भी नेक बना लेंगे एक साइड का। तो इस पे हम ऐसे रख के पट्टी को एक सिलाई लगा देंगे
और फिर पलट के भी इस पे एक सीएन चला देंगे ताकि कपड़ा अच्छे से नीचे तक नीचे की तरफ मुड़ जाए। और फिर नीचे की तरफ मुड़ के सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारा तैयार हो गया है जैसा कि आप देख रहे हैं। इस पे हम हुक और कज बना देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ हुक लगा दिया है और कज भी बना दिया है। तो आप अगर चाहते हैं हुक नहीं लगाना तो आप नहीं लगा सकते हैं, ऐसे नॉर्मली एक दूसरे पे रख के अटैच कर सकते हैं। तो बनने के बाद ब्लाउज ऐसे दिखती है और पहनने के बाद भी ऐसे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।